हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नेगी दून ब्लॉग चैनल। आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को शहर से मिनिमम 50 किलोमीटर दूर ले जाने वाला हूँ। आई होप आप लोग उस जगह को पहले एक्सप्लोर कर चुके होंगे, बट आज शिवरात्रि है तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं। और वहाँ पर एक मंदिर है तो उस मंदिर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ मेरे साथ अभी कौन कौन है, तो वो आप लोगों को आगे जाके पता लग जाएगा। बट अभी मैं थानों वाली रोड पे चल रहा हूँ और मैंने घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था बिकॉज मेरे पे उस टाइम पे टाइम नहीं था। और अगर मैं रायपुर का भी ब्लॉग शूट कर लेता तो मुझे फिर सही नहीं लगता, बिकॉज मैंने बहुत बार रायपुर का ब्लॉग शूट करा हुआ और मुझे सही नहीं लगता है एक जगह को बार बार दिखाना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर थानों पहुंच जाऊंगा या थानों से आगे अगर पहुंच जाएंगे तो वहां से ब्लॉग स्टार्ट कर लूँगा। तो इसीलिए ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा थानों से। और अभी मेरे साथ ईशा की बहन मतलब अमीशा दीदी बैठे हुए, तो आज वैसे ऋतिक नहीं आए बिकॉज उसके पास स्कूटी नहीं है, तो इसीलिए उसने बोला कि तू चले जा और उसका मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर अभी मेरे साथ अमीशा दीदी बैठे हुए, वो आप लोगों को आगे पता लग जाएगा। और कौन है वो खूबसूरत और मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि हम लोग ऋषिकेश में जा रहे हैं और हम लोगों ने ये सोचा था कि 8 बजे निकल जाएंगे, बट उससे पहले हम दोनों रेडी हो गए थे तो हमने सोचा कि अब 8 बजे का इंतज़ार क्या ही करना, तो उससे अच्छा निकल जाते हैं। बिकॉज ऋषिकेश देहरादून से 50 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चले जाते हैं, फिर और सारी जगह भी घूम लेंगे या एक्सप्लोर कर लेंगे। अब आप लोगों ने ये जगह पहचान ली होगी कि ये पूरी थानों वाली रोड है। और मैंने आप लोगों को कई बार इस जगह के बारे में ये बताया हुआ कि अगर आप लोग फ़ोटो शूट पे आना चाहते हो तो बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो। देहरादून से मिनिमम 10 किलोमीटर दूरी पर लोकेटेड है ये भी थानों साइड, तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी प्यारी लोकेशन है। सो आप लोगों ने इससे पहले रिजॉर्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिजॉर्ट पसंद आया होगा। और आप लोगों को मैंने उसमें फुल डिटेल बताया था, इट मींस मैंने आप लोगों को उसमें मेन्यू भी बताया था कि आप लोगों को मेन्यू में क्या क्या मिलने वाला है और उसके कॉस्ट भी वहीं पर लिखा हुआ था। तो उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा एक्सपेंस है और ज़्यादा मैं लो भी नहीं बोलूँगा। और अगर आप लोग जाना चाहते हो तो रिजॉर्ट में ये बोलना कि मैं नेगी दून ब्लॉग का ब्लॉग देखकर आया हूँ, तो आई होप आप लोगों को वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बट मैंने ये ऐसा कुछ बोला नहीं उन लोगों को, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जाओगे तो ये ज़रूर बोलना, तो क्या पता आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों ने ब्लॉग में लोकेशन का सही पता नहीं कर पाया तो आप लोग मैप में जा सकते हो और वहाँ पे सॉन्ग वैली रिजॉर्ट सर्च करना, तो आप लोगों को पूरा रूट दिखाई देगा। तो आप लोगों को ये वाली जो रोड अंदर को दिखाई दे रही ये जाती है आपकी इठारना की, अगर आप लोग जाना चाहो तो ये वाली रोड है और ये वाली रोड आपकी जाती है ऋषिकेश को। तो अभी हम लोग इसी वाले रास्ते जा रहे हैं ऋषिकेश, बट ऋषिकेश के 2 रास्ते हैं तो वो वाला रास्ता हमें कन्फर्म पता नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इधर ही से चले जाते हैं। और ये जो मार्केट है इस मार्केट का नाम है भोगपुर, और यहाँ पे एक भीम पत्थर भी है। मैं वहाँ गया हूँ बट वहाँ की वीडियो मैंने बनाई नहीं, तो मैं वहाँ की वीडियो दोबारा बना दूँगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि भीम पत्थर कहाँ पे है। और यहीं से आगे चलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को वो वाली लोकेशन ही बता देता हूँ कि भीम पत्थर कहाँ पर है। और यहाँ से आप लोग एक सीधी रोड दिखाई दे रही और एक इधर को, तो हमें लेफ्ट वाली रोड पर चले जाना है। और मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि यहाँ पे एक भीम पत्थर भी है, तो भीम पत्थर भी यहीं से आगे चले जाना और ऊपर की साइड है जो आप लोगों को वीडियो में ऊपर दिखाई दे रहा, बट आप लोगों को वो भीम पत्थर नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन है वो ऊपर ही की साइड। और आगे से आप लोगों को लेफ्ट में एक रोड दिखाई दे रही ऊपर को, एक गली में जा रही ये जो सामने पे है, तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो, उसके बाद आप लोग पता कर लेना। सो फाइनली हम ऋषिकेश के करीब पहुंचने वाले हैं, बट उससे पहले एक ये वाला जो जंगल लगता है, तो अगर आप लोग देख रहे होंगे गाड़ियां अपने तरफ से चल रही है,
मतलब अपनी अपनी साइड चल रही, जैसे आप लोग देहरादून सिटी में देखते होंगे कि दूसरे साइड में भी गाड़ियां आ जाती है, रॉन्ग रोड पे चले जाती हैं, बट यहाँ पे सख्त मना है ऐसे ओवरटेक करना। तो आप लोग संभल के आना, ओवरटेक बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोग नाइट को ट्रैवल कर रहे हो तो खतरा है, बिकॉज़ यहाँ पे हाथी आते रहते हैं। तो इसीलिए नाइट को मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे आना। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसी ट्रैक से निकल जाना आगे। तो गाइस फाइनली हम भूतनाथ मंदिर में जा रहे हैं, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मेरे साथ कौन है, तो आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहे होंगे दीदी, तो ईशा की दीदी हैं स्पेशली, मतलब स्पेशली मैं वीडियो के लिए आई थी तो ऐसा कुछ नहीं, वीडियो के लिए नहीं आए थे हम, ऐसे घूमने के लिए आए थे। तो आज तो वैसे शिवरात्रि है, तो हमने सोचा कि आज कहीं और जगह चले जाते हैं, या मतलब डिफरेंट प्लेस में चले जाते हैं। तो हमने तो मुझे इस मंदिर के बारे में वैसे पता तो नहीं था, बट अमीषा दीदी को पता था, तो इन्होंने मुझे बोला कि वहाँ चले जाते, तो इसीलिए आज हम यहाँ आए हुए। और वैसे मुझे रास्ता पता नहीं था, बट दीदी को पता था और मैं इतने अच्छे तरीके से इसको लेके आई ना, घुमा घुमा के पूरा ना, एकदम एंटरटेनमेंट के साथ, एंजॉयमेंट के साथ। हाँ, तब रास्ता पूरा दिखा दिया था रास्ता तो मैंने ऐसा ऐसे ऐसे घुमाया, ये भी घूम गया था। और ये ट्रैक कितने मीटर का होगा मिनिमम आपके हिसाब से? यार इतनी मैथ तो मुझे नहीं आती। गजब बेइज्जती है। नहीं नहीं फिर भी आपके हिसाब से एक मिनट, एक किलोमीटर? हाँ, डेढ़ किलोमीटर। हाँ, अंदाजे के हिसाब से एक किलोमीटर तो पैदल होगा ही होगा। बट वैसे कितने फ्लोर का है मंदिर? 13 मंजिल का ये मंदिर है। हाँ। और यहाँ से जो है ना, हाँ, ऋषिकेश का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, पूरा ऋषिकेश इतना सुंदर और ब्यूटीफुल दिखता है कि बस क्या ही बताऊं। तो फिर आगे आप लोग, जैसे अभी हम पहुंच जाएंगे ऊपर, तो आप लोगों को मंदिर दिख जाएगा, बट यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया मंदिर आप, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि मतलब यहाँ से अगर उधर से अगर हम ऋषिकेश को मतलब देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। तो फिर अभी ऊपर पहुँचते हैं और उसके बाद आप लोगों को वहाँ से व्यू दिखाते हैं। तो मौत आ रही है, तो व्रत भी है, सच में मौत आ रही है, बट फिर भी हम जाएंगे। तो वैसे एक दूसरा रास्ता भी है ऊपर से, ये जो आपको रोड दिखाई दे रही पूरी खड़ी चढ़ाई है, और ये जो आप लोग सीढ़ियां देख रहे हैं तो ये वाली भी उसी साइड को जाती है। तो हमने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट लिया जाए, टाइम की बचत भी हो ही जाएगी और जल्दी पहुंच जाएंगे, ताकि हम और जगह भी एक्सप्लोर कर पाए। तो आप कहाँ कहाँ घुमाना चाहते हो आज? मैं हम जाएंगे यहाँ से राम झूला, हाँ? लक्ष्मण झूला भी देख ही लेंगे, हाँ? और हम जानकी सेतु, ठीक है, पूरा शिवानंद आश्रम देख के आएंगे, थोड़ा ऐसे ही मतलब भर भर से, हाँ? और बाकी और क्या देखेंगे, त्रिवेणी घाट भी देख लेंगे जाते जाते। हाँ, त्रिवेणी भी चले जाएंगे, गंगा किनारे बैठ जाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने एक ब्लॉग में देखा था कि मैं उस टाइम पे एक जगह यहाँ पे गोवा बीच है, वहाँ पे भी जाएंगे, वो हमारा सस्ता गोवा बीच है। तो आप लोग ने इतना कुछ सुन गया होगा कि हाँ उत्तराखंड वालों को सस्ता गोवा बीच है, तो हम वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने मेरा त्रिवेणी घाट वाला ब्लॉग देखा था, तो कोशिश करूंगा मैं दोबारा वहाँ पे जाऊंगा, और मुझे लगता है कि आज दो या तीन ब्लॉग बनेंगे। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बस ये जो भूतनाथ मंदिर है वही दिखाने वाला हूँ, बाकी आप लोगों को आगे आगे ब्लॉग देखते जाएंगे, इट मीन्स आप लोगों को अलग अलग ब्लॉग देखेंगे। तो फिर आज वैसे मुझे इतना पता तो है नहीं कि एग्जैक्ट जगह कौन सी है, तो अमीषा दी आए हुए तो इन लोगों को सब पता है कि कहाँ पे कौन सी जगह है। मैंने तो ऋषिकेश पूरा तेरा दिल में छाप रखा है, छाप। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना बोलते हैं दीदी कि पूरा मतलब कि ऋषिकेश पूरा देखा हुआ, तो कोई नहीं, आप लोगों को भी दिखाएंगे ब्लॉग में, आप लोग ब्लॉग में बने रहे। बिल्कुल बने रहे ब्लॉग में, कितनी सीढ़ियां आई यहां पे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि वहां से इतना नीचे से आए हुए पूरी सीढ़ियों में, और आपके हिसाब से कितनी सीढ़ियां होंगी? मैं चाहती तो तुझे पता है, यहाँ घूमनी नहीं होती, आज मेरी सरकारी नौकरी होती है।
तो अभी यहाँ पे शूज रखे हुए, तो हम लोग सोच रहे कि यहीं पे शूज उतार लेते हैं और यहाँ से पूरा प्रवेश द्वार है और ऊपर जाएंगे फिर। इस मंदिर के बारे में सबसे पहली खास बात है कि ये जो मंदिर है सुबह 9 बजे खुलता है और सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक खुला रहता है। उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए मंदिर को ज्यादा खोल मतलब 5 बजे से आगे नहीं खोल के रखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मंदिर है का पूरा जंगल में तो है, तो इसीलिए। और हेलमेट बोलते बोलते हेलमेट भूल गए। और आप लोगों को सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, मतलब जितने फ्लोर आएंगे, वैसे कितने फ्लोर है आपके हिसाब से? 13? हाँ, 13 तो 13 है, मतलब 13 मंजिल है। हाँ। तो आप लोगों को हर एक मंजिल का ब्लॉग दिखाएंगे, 8 मिनट आप लोगों को कहाँ से किस लेवल पे ऊपर हाँ। व्यू दिखाई देता है, तो आप लोग बोर मत होना व्यू को देखते देखते, मुझे लगता है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। और इस मंदिर को 13 मंजिल का मंदिर भी बोला जाता है, 13 मंजिला मंदिर, क्योंकि 13 मंजिल है एंड भूतनाथ तो उसका नाम है ही। ये लोगों ने क्या कलाकारी कर रखी है, ये चीजें तो बेकार लगती है मंदिर में, तो आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो ऐसा बिल्कुल मत करना। हाँ मानते हैं सब चीजें चलती है, बट मंदिर में ये चीजें नहीं चलती है। ओ भाई, तो अब आप लोग यहाँ से देख लेना है थोड़ा सा। ओ भाई, पहुँचने नहीं वाले, और अभी देखिए कितना और ऊपर जा रहे हैं हमें। मैं सोच रहा कि बस इतना ही है। तो तुम्हें ऐसा भी लगा कि हमने बहुत जल्दी 13 मंजिल पार कर ली। उत्तराखंड की खूबसूरती उसके मंदिरों से ही ज्यादा, मतलब मंदिरों से ही काफी हो जाती है, हमें जरूरी रहती नहीं, प्राकृतिक सुंदरता बहुत है हमारे पास। ओह माय गॉड, मतलब सच में। अच्छा, वो आपके जानने वाले थे, मुझे लग रहा कि आप ऐसे, आपने ऐसे रिएक्ट क्यों करा, तब पता लगा मुझे। अच्छा हाँ, मेरे जानने वाले थे। उधर ना रोड पे उधर झरना भी है, मतलब ऐसे गांव का झरना है, तो ऐसा कोई फेमस नहीं है, नॉर्मल गांव वाला झरना है, इसलिए वहाँ जाने से ज्यादा लोग जाते नहीं है बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे छाया छल कपट तक जाता है, इसीलिए अच्छा। जाते नहीं है। वैसे तो हम गए थे बट हमने दूर से ही देखा था उधर मंदिर को, उसको झरने को, बट ये मंदिर सच में कितना अच्छा है, ये बात तो मान। ये नहीं, ये इसका भी है, ये मंदिर का है पूरा भाग, पूरा मंदिर है ये पूरा मंदिर का ही एरिया है। ये उधर से जाते हैं उधर के लिए, रोड जाती है पूरी यहाँ को ना। अच्छा, पूरी रोड है, तो उधर से जाते हैं, उधर झरना है उधर की तरफ, इधर ही है झरना, वो दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत घना है ना जंगल, बहुत घना जंगल है। और वो मंदिर देखते हो, वो भी तो ऐसे मंजिलों के बने, ऐसे जैसा ये मंदिर है वैसे ऋषिकेश में और भी मंदिर है, बट ये ऊंचाई पे होने की वजह से जो है यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू दिखता है बारे में। और कुछ, ये मंदिर मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मतलब मैं बोलती हूँ कि एकदम कैसे मेरे मतलब मेरे उसमें ना शब्द नहीं आ रहे कि मैं कैसे बयां करूँ इसकी खूबसूरती। सच में प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है वो बहुत खूबसूरत है, और मंदिरों से ये और ज्यादा क्या बोलते हैं खूबसूरत हो जाती है, सुशोभित हो जाती है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आप इस मंदिर को ही देख के बोल सकते हो कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है।
मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो उसको माइंड मत करना प्लीज, क्योंकि मेरे मन में जो आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, इसे कट कर देना। नहीं नहीं, और ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक्चुअली में, या एग्जैक्ट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वही आप लोगों को बताना होता है या दर्शाना होता है। तो आप लोगों ने जितना भी कुछ सुना वो सभी रियलिटी है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख रहे हैं, या जो हमें दिखाई दे रहा है वही आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग जरूर विजिट करना यहाँ भी, अगर आप लोग को यहाँ का व्यू पसंद आया या यहाँ के बारे में कुछ अच्छा लगा। और मुझे ना हंसी बहुत आती है बारे में, बहुत हंसमुख लड़की हूँ, प्लीज मुझे फेमस करा दीजिए, मुझे भी यूट्यूबर बनना है। लोगों को यहाँ पे फोटो खींचने के बजाय मुझे लगता है इन हरकतों के लिए रोकना चाहिए, कितना गलत कर रखा है लोगों ने, मतलब कैसी ओछी हरकत कर रखी है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये बहुत ज्यादा गंदा लगता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग ही पसंद आया होगा, और आप लोगों को भूतनाथ की जितनी भी हिस्ट्री या हम लोगों ने जितना भी आप लोगों को बताया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और कुछ और भगवान आप सभी को सद्बुद्धि सब कुछ दे जितना भी आपको देना होता है। और अभी हम लोग ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और दूसरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये क्योंकि लोग पूरा ब्लॉग देखते नहीं है, अगर मैं 20 मिनट का ब्लॉग बनाऊं तो कोई देखेगा नहीं, तो इसीलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। It's the sound of soul in me.